नमस्कार, आप सभी का सूर्य स्कूल मंदरगढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि विषय के बारे में। संधि क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं हिंदी जो हमारी व्याकरण भाषा है उसके अंतर्गत इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो संधि शब्द होता है जिसका अर्थ है मेल या जोड़, मिलाना या जोड़ना। अब यहाँ मेल या जोड़ देखो हमारा क्या होगा, यहाँ जो इसकी परिभाषा दी गई है वो दी गई है दो वर्णों के मिलने पर। यहाँ किसको मिलाना है हमें, दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जब दो वर्णों को आपस में मिलाया जाएगा उससे जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहेंगे। अब उदाहरण के लिए देखें, जैसे मैंने यहाँ लिखा है नर जमा ईश, ये बनेगा नरेश। नर जमा ईश को क्या लिखेंगे, नरेश। तो यहाँ जो वर्ण आए हैं, यहाँ जो रह है, रह में ए स्वर मिला हुआ है और ई हमारे पास स्वर है ये ई, तो ए और ई मिलाने से ए की जो मात्रा बनी यहाँ पर नरेश, तो ये ए की मात्रा यहाँ बन गई है। अब आता है इसके भेद के बारे में, संधि के कुल कितने भेद होते हैं। तो संधि के यहाँ तीन भेद हैं। पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि में जब स्वरों को आपस में मिलाया जाता है उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी भेद बनाए गए हैं जिसको हम उसके सब पार्ट या उपभेद कहेंगे। तो स्वर संधि को पांच उपभेद में बांटा गया है। अब सबसे पहली जो संधि आती है वो दीर्घ संधि आती है, दूसरे नंबर पर है गुण संधि, तीसरी संधि है हमारी वृद्धि संधि, चौथी संधि है यण संधि और पांचवी संधि है अयादि संधि। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपनी दीर्घ संधि के बारे में सीखने के प्रयास करेंगे या इसके नियम को जानना सीखेंगे कि दीर्घ संधि में किसका मेल होता है। तो यहाँ जो दीर्घ संधि दी गई है यहाँ हर्ष स्वर भी आएगा आपका और दीर्घ स्वर भी आएगा, चाहे दोनों बार हर्ष स्वर आए चाहे दोनों बार दीर्घ स्वर आए, दोनों ही जब आपस में स्वर मिलेंगे यहाँ पर तो वो दीर्घ रूप धारण करेंगे। इसके उदाहरण के लिए देखो मैं एक लिखती हूँ, ए और आ मिलाने से क्या बनेगा, आ बनेगा। एक नियम तो ये है हमारा, ए स्वर को आ स्वर से मिलाएंगे, ये हर्ष स्वर है ये दीर्घ स्वर है, तो इनको मिलाने से दीर्घ रूप बनकर आया आ का। अब इसके लिए उदाहरण के लिए शब्द लिख लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा शब्द जमा अर्थ। अब ये क्या बनेगा, जब इसको इकट्ठा करेंगे तो ये शब्दार्थ बनेगा, ये आ की मात्रा के रूप में परिवर्तित होगा। यहाँ पर ये देखो यहाँ आ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, तो ये एक नियम ये है। इसका जो दूसरा नियम है उसमें दिखाया गया है ई को ई से मिलाना है आपको, ई दोनों हर्ष वाली ई आ सकती है, हर्ष या दीर्घ कोई भी ई का आप रूप देखेंगे ये दीर्घ में ही परिवर्तित होगा। अब यहाँ हमने एक छोटा शब्द लिया, मैंने यहाँ लिखा कवि जमा ईश। अब इसको जब इकट्ठा करेंगे तो ये क्या बनेगा, कवीश। इसको क्या लिखा जाएगा, कवीश। तो ये इसका नियम हो गया, एक आ से और एक ई से। अब इसका जो तीसरा नियम आएगा उसको देखो, यहाँ पर ऊ को ऊ से मिलाना है तो कौन सा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा से बनेगा। अब यहाँ कोई भी छोटा शब्द लिया मैंने, यहाँ लिखा भू जमा ऊर्जा। अब इसको इकट्ठा किया, इस ऊ को इस ऊ से मिलाया तो ये भूर्जा बन गया। तो ये दीर्घ संधि के तीन नियम याद रखने हैं, पहला आ का, दूसरे ई की मात्रा का और तीसरा ऊ की मात्रा का, ये दीर्घ संधि के नियम में आएंगे। अब आता है गुण संधि में। गुण संधि में हम क्या करेंगे, जो हमारे स्वर हैं वो बदल जाएंगे, यहाँ ए स्वर को ई स्वर के साथ मिलाना है और ये ए में बदलेगा। जैसे के लिए मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा था आपके लिए, नर जमा ईश तो नरेश बना, ऐसे आप कोई भी शब्द लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा महा जमा ईश, अब इसको इकट्ठा करेंगे तो ये महेश लिखा जाएगा। एक नियम ये बना, एक ऐसा ही नियम इसका ओ की मात्रा का बनता है, एक देखो ए को हमने ऊ से मिलाना है तो ये ओ बन जाएगा। अब ओ वाले शब्द क्या आएंगे, यहाँ लिखा सूर्य जमा उदय, अब इसको क्या लिखेंगे, सूर्योदय। इसको क्या लिखेंगे, सूर्योदय। इसका एक नियम ये बनकर आया हमारे पास। तो गुण संधि में बना, ए और ई का मेल ए में बदल गया, महा जमाईश महेश बना, ए को ऊ से मिलाया ओ बना, सूर्य को जैसे कि हमने शब्द लिया सूर्य जमा उदय तो सूर्योदय, यहाँ ओ की मात्रा का परिवर्तन हुआ, यहाँ ए की मात्रा का परिवर्तन हुआ, ये हमारी गुण संधि का नियम था। इस नियम, इस गुण संधि में एक और नियम आता है, ए के साथ री की मात्रा का मेल होता है, ए के साथ री की मात्रा को मिलाते हैं तो अर बनता है, र आधा हो जाता है कि शब्द के साथ। अब हमने यहाँ लिखा देव जमा ऋषि, अब इसको जब इकट्ठा करेंगे, इसका जब मेल करेंगे, इस ए को री से मिलाएंगे तो ये देवर्षि लिखा जाएगा। ये हमारी दो संधि आपने देखी अभी बोर्ड पर, पहली दीर्घ संधि थी, ये हमारी गुण संधि थी, ये गुण संधि के नियम थे। इसमें भी तीन तरह के परिवर्तन हमने देखे कि कौन से स्वर को किससे मिलाएंगे तो कौन सा स्वर बना। तो ये हमारी आज की संधि का विषय था, आज के लिए इतना ही।